अंबाला में भगवान शिव के भक्त उज्जैन की तर्ज पर अंबाला में पिछले कई सालों से भगवान शिव का कर रहे हैं भव्य श्रृंगार। हर त्योहार पर शिवलिंग पर मिट्टी से बनाई जाती है भव्य प्रतिमा और किया जाता है श्रृंगार। इस बारे में जानकारी देते हुए भगवान शिव के भक्त इंद्रजीत ने बताया कि मैं पिछले कई सालों से अंबाला में अलग अलग मंदिरों में जाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर मिट्टी से भव्य प्रतिमाएँ बनाते हैं और उनका भव्य श्रृंगार करते हैं। मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं कम से कम 6-7 साल से श्रृंगार को कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि ये श्रृंगार जो है मुझे महाकाल जी के इंस्पिरेशन से मिला है। एक्चुअली मैं उनका ध्यान करता था और उनके श्रृंगार को देख के मेरे मन में बड़े भाव उभरते थे कि मैं भी इस प्रकार का श्रृंगार कर सकूँ। तो उज्जैन से जो महाकाल जी का श्रृंगार आता है उसको मन में धारण करके उसी प्रकार से इसको मैं सीख पाया हूँ जी। कम से कम काफ़ी अम्बाले के काफ़ी मंदिरों में, जैसे शिव कुटीर मंदिर हो गया, सनातन धर्म मंदिर हो गया, अपना हाथीखाना मंदिर हो गया, काफ़ी मंदिरों में अम्बाला के श्रृंगार कर चुके हम लोग जी। श्रृंगार में ऐसा होता है, दो प्रकार का श्रृंगार करते हैं हम लोग। एक होता है चंदन से, जिसमें चंदन से बनाया जाता है, और दूसरा है मिट्टी से, जिसमें कि हम लोग मिट्टी से पूरा फेस पहले बनाते हैं, उभारते हैं, उसके बाद उसको पेंट करते हैं और फिर उसको सारा डेकोरेट करते हैं। इसके अंदर जो है कम से कम 2 से 3 घंटे पूरी प्रक्रिया में लगते हैं, जो कि श्रृंगार के करने से लेकर उसको डेकोरेट करने तक का होता है। तो ये जो श्रृंगार है मिट्टी का, तो इसको हम नेचुरल मिट्टी से करते हैं और इससे पर्यावरण की शुद्धि बनी रहती है। ये मिट्टी जो है एक तो रिसाइकलिंग हो जाती है, दूसरा है जो इससे फेस की क्लैरिटी बहुत आती है, जो भक्तजनों को देखने में बहुत ही मनमोहक और आकर्षक लगता है, और इससे हमारे पर्यावरण की भी शुद्धि रहती है। मिट्टी दोबारा रिसाइकलिंग हो जाती है, दोबारा खेतों में चली जाती है और किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।